हाय नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी जीके गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूँ कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे आने वाली वीडियोस के लाभ उठा सकें और बहुत जल्दी से जॉब ले सकें। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का खोज किसने किया? आंसर है मेंडलिफ ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलिफ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन में सिर्फ आवर्त सारणी था, दूसरे क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया। अगला क्वेश्चन है, मेंडलिफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा कितने आवर्त थे? यहाँ आवर्त ऐड कर लेंगे आप, छूट गया है गलती से। तो आंसर है, मेंडलिफ के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 9 और आवर्तों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? फिर से यहाँ छूट गया है, आप ऐड करेंगे। तो आंसर है, मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। यानी कि यहाँ से हम याद रखने का एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि वर्गों की संख्या में परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो कितना बढ़ते जाता है, अगर 2 का 4, 4 4 का 16, 16 का 64, तो इसे याद रख सकते हैं कि वर्ग बढ़ते हैं और बाकी जो नहीं हुआ, जो एज इट इज़ है वो आवर्त है। तो वर्ग की संख्या मेंडलिफ के आवर्त सारणी में 9 थी और मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में 18 हो गई और आवर्त की संख्या एज इट इज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है, त्रियक नियम का प्रतिपादन डोवरेनर ने किया। अगला क्वेश्चन, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया, जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलिफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? आंसर है, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलिफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आंसर है, परमाणु संख्या। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी तक कुल कितने तत्वों को खोजा गया है? आंसर है, 118। यानी कि अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में किस प्रकार के तत्वों को रखा गया है? आंसर है, क्षार धातु को। यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में क्षार धातु प्रकार के तत्वों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है? कांच पर विभिन्न रंगों के प्रभाव को हम देखेंगे आगे जो भी क्वेश्चंस हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है? आंसर है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण कांच का रंग हरा होता है? आंसर है, फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। यानी कि हम कह सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके कारण कांच का रंग भूरा होता है? आंसर है फेरिक ऑक्साइड के कारण, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग पीला होता है? आंसर है कैडमियम सल्फेट, यानी कि कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग पीला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, किसके कारण कांच का रंग लाल होता है? आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो है लाल होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, या ये सब किस कांच के बने होते हैं, किस प्रकार के कांच के? अब हम विभिन्न प्रकार से के कांच से बने यंत्रों के बारे में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आंसर है फ्लिंट कांच, मींस विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस फ्लिंट कांच के बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट किस कांच का बना होता है? आंसर है सोडा कांच, यानी कि ट्यूबलाइट सोडा कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन, धूप चश्मा किस कांच का बना होता है? आंसर है क्रुक्स कांच। आप कभी कभी क्रक्स कांच भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर सेम है, सेम क्वेश्चन है और यही आंसर है इसका। धूप का चश्मा मतलब किस कांच का बना होता है, तो क्रक्स कांच का या क्रुक्स कांच का। अगला क्वेश्चन है, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म किस कांच का बना होता है? आंसर है प्रकाशीय कांच, यानी कि चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में हम प्रकाशीय कांच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चश्मा का लेंस किस कांच का बना होता है? आंसर है क्राउन कांच का, यानी कि चश्मा का लेंस क्राउन कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अब हम विभिन्न विधि में प्रयोग होने वाले उत्प्रेरकों के बारे में हम इन कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हमारा उत्प्रेरक से संबंधित पहला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अगला हमारा आंसर है लोहे का चूर्ण, यानी कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में हम लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, यहाँ घी होगा, घ लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है निकेल का, यानी कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए हम निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के क्षारकता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है जिप्सम का। या कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल जाते हैं कि मिट्टी की क्षारकता को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति में भी आंसर जिप्सम ही देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है जिलेटिन, यानी कि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें हम जिलेटिन मिलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका बना होता है? आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है 3500 कैलोरी, यानी कि 1 किलोग्राम शहद से, यहाँ शहर लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए तो हमें भी खेद है, आप समझ जाएँ इतना पर। तो 1 किलोग्राम शहद से, यानी कि मधु से, मधु
से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी में लगभग कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? आंसर है 8%, 8%, यानी कि हड्डी में 8% लगभग फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जानते हैं? हमारा आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि हंसाने वाली गैस के नाम से हम नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, जिसको N2O भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फॉस्फिन गैस का, यानी कि समुद्री यात्रा में होम सिग्नल के रूप में हम फॉस्फिन गैस का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन सा गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देता है? आंसर है क्लोरीन गैस, यानी कि क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन, दिया सलाई बनाने के लिए किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पास ऐसा वर्ड है जो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा वर्ड सही है, प्रिंटिंग हो गया है मिस्टेक। तो दिया सलाई बनाने के लिए किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग करते हैं हम? लाल फास्फोरस का। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? आंसर है, यहाँ आंसर छूट गया है प्रिंटिंग मिस्टेक से, आंसर होगा यहाँ 46%, यानी कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, बर्तनों में कलई करने के लिए, यहाँ कलई होगा, बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? हमारा आंसर है यूरिया, यानी कि यूरिया वह पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है फेरिक होगा यहाँ, फेरिक क्लोराइड, क्योंकि हम आयरन का जानते हैं, लोहा का, अस एक इक दू, तो यहाँ वही फेरिक इक होगा, अस एक इक दू, फेरिक क्लोराइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आंसर है जल में, यानी कि पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर है आयोडीन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि समुद्री खरपतवार या समुद्री अपशिष्ट में क्या पाया जाता है, तो आंसर इज सेम, आयोडीन ही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम को, यहाँ दूध होगा, दूर नहीं होगा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे, प्रिंटिंग पर नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन सही है, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है टाइपिंग से, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इज ये है, तो आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम, यानी कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए हम ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडरों में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? आंसर है मिट्टी के तेल में, यानी कि सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है, तो हमारा आंसर सेम होगा, ओस्मियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? आंसर फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल उपचायक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर प्लेटिनम को, प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? आंसर है हमारा रेडॉन, यानी कि
रेडोन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक समस्थानिक होगा, सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का है? तो हमारा आंसर होगा पोलोनियम का। और ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो 27 27 समस्थानिक हैं पोलोनियम के। हमारा अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सीजियम का, यानी कि सीजियम का प्रयोग हम सौर सेल बनाने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को हम ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पारा में क्यों डूब जाता है? इसका आंसर है सोना का घनत्व अधिक होता है, यानी कि पारा से सोना का घनत्व जो है वो अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है वो डूब जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, सभी जानते हैं इनको, और नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है जो इन्हीं से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर है सोडियम नाइट्रेट का, यानी कि पहले डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता था, अब उसके जगह पर सोडियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, RDX एक प्रकार का क्या है? यहाँ डबल एक्स एक्स नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा, RDX, जिसका पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। तो हमारा आंसर है विस्फोटक, मीन्स RDX जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, RDX को दो तीन कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है साइक्लोनाइट्स, यानी कि RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट्स के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है हेक्सोजन, यानी कि RDX को जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, RDX को इटली में किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है T4 के नाम से, यानी कि RDX को इटली में हम T4 के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया तो साबुनीकरण ही कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, इस्पात, हाफ स होगा, फुल स प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 0.1 से 1.5%, यानी कि इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5 तक प्रतिशत तक होती है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? हमारा आंसर है सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। धुवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है NaOH, यानी कि कास्टिक सोडा को हम रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है बोरेक्स,
और रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10S2, यानी कि सुहागा को हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? हमारा आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4, यानी कि लाल दवा को हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है? हमारा आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है KOH, यानी कि कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl Cl, यानी कि विरंजक चूर्ण को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। ये जितने भी 2, 5 या 10 दिख रहे हैं आपको, वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? उसके प्रिंटिंग मिस्टेक में थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ है, इसलिए इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो सॉरी फॉर दैट। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र है CaO, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, यानी कि चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 है। हमारा अगला क्वेश्चन, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है हमारा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl, यानी कि नौसादर को हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हरा कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है फेरस सल्फेट को और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O, यानी कि हरा कशिश को हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सफ़ेद कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है जिंक सल्फेट को, ZnSO4 7H2O, यानी कि सफ़ेद कशिश को हम जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नीला कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा आंसर है कॉपर सल्फेट को, सल्फेट लिखा गया है, सल्फेट होगा और हम इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O, यानी कि नीला कशिश को हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है पारा को, क्विक सिल्वर या त्रिव चांदी भी कहते हैं और आंसर इज द सेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है सिल्वर नाइट्रेट को, इसका रासायनिक सूत्र है AgNO3, यानी कि लूनर कास्टिक के नाम से हम सिल्वर नाइट्रेट को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा आंसर है मीथेन को और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी कि मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने की थी, किसने किया? आंसर है मैडम क्यूरी ने। याद करेंगे आप पोलोनियम के बारे में इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि उसके समस्थानिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते चले माइंड में, अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या वर्ड्स रिपीट होते हैं तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? हमारा आंसर है हेनरी बेकुलर ने, यानी कि रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकुलर ने किया। अगला क्वेश्चन, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? आंसर है डॉल्टन ने,
यानी कि डॉल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, हीलियम का खोज किसने किया? आंसर है लोकियर ने, यानी कि लोकियर हीलियम के खोज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारी जल का खोज किसने किया? आंसर है यूरे, यानी कि भारी जल का खोज यूरे ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर है जे.जे. थॉमसन। दोस्तों कहीं कहीं जे.जे. थॉमसन भी मिल जाता है आपको, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर दोनों एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन या जे.जे. थॉमसन ने किया। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का खोज किसने किया? आंसर है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने, यानी कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? आंसर है जेम्स चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाई मेंसोन करण का खोज किसने किया? आंसर है युकावा, यानी कि पाई मेंसोन करण का खोज युकावा ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर है एंडरसन ने, यानी कि पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक का खोज किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? आंसर है जॉन डॉल्टन, यानी कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डॉल्टन ने किया था। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सो बी केयरफुल और लिसन केयरफुली। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हमारा आंसर है ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारा अगला, ऑक्सीजन तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? हमारा आंसर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? हमारा आंसर है नेट्रियम। सोडियम को Na से सूचित करते हैं और सोडियम का लैटिन नाम जो है Na से नेट्रियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? हमारा आंसर है कैलियम। पोटेशियम को हम के से सूचित करते हैं और तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमारा आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, जल के शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है पोटासियम का, यानी कि जल के शोधन में हम पोटासियम का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं? आंसर है उत्कृष्ट गैसें, यानी कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से होते हैं? तो उत्कृष्ट गैसें होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हमारा आंसर है 5.5, यानी कि अगर पीएच स्केल पर अम्लीय वर्षा का 5.5 मान दर्शाता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा मानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।